नमस्कार मित्रों, ज्ञानशाला के दिवस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। 18 जुलाई यानी नेल्सन मंडेला का जन्म दिवस। मानव सभ्यता व समाज में कभी कभार ऐसे लोग जन्म लेते हैं जिसका जन्म लेना स्वयं मानव सभ्यता को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो जाता है। गांधी, मार्टिन लूथर किंग ऐसे ही लोग थे। इसी कड़ी में एक और नाम आता है नेल्सन मंडेला का। यह वे लोग हैं जिन्होंने हथियारों से नहीं बल्कि विचारों और मानव चेतना में जागृति लाकर न केवल अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी बल्कि उसे जीता भी। 27 साल तक जेल की यातनाओं से न टूटने वाले और रंगभेदी हुकूमत को उखाड़ फेंकने वाले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने यह साबित कर दिया कि जंग हथियारों के बिना भी लड़ी और जीती जा सकती है। मंडेला ने न केवल दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ संघर्ष में नेतृत्व प्रदान किया बल्कि दुनिया भर में होने वाले इस प्रकार के संघर्षों को प्रेरणा भी दी। जीवन भर महात्मा गांधी के विचारों और आदर्शों से प्रभावित रहे नेल्सन मंडेला ने शांति, भाईचारे और समानता का ऐसा पाठ दुनिया को पढ़ाया जो एक मिसाल बन गया। बेशक वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जीवन, उनका संघर्ष और उनके सिद्धांत आज भी दुनिया के लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। अगर मंडेला के प्रारंभिक जीवन की बात की जाए तो मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को म्यूजो ईस्टर्न के दक्षिण अफ्रीका संघ में गेडला हेनरी और उनकी तीसरी पत्नी नोक्यूफी नोस्केनी के यहाँ हुआ था। मंडेला के पिता हेनरी अपने कस्बे के जनजाति सरदार थे। स्थानीय भाषा में सरदार के बेटे को मंडेला कहते हैं और यही उनका उपनाम बना। होश संभालते ही किशोर मंडेला ने देखा कि उनके अपने ही देश में अपने ही लोग गुलामों जैसा जीवन जी रहे हैं और दक्षिण अफ्रीका के निवासी संख्या में बहुत कम गोरों के बनाए नियमों का पालन कर रहे हैं। काले और गोरे रंग के आधार पर जब उन्होंने फर्क होते देखा तभी उन्होंने ठान लिया कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों को इस जुर्म से छुटकारा दिलाएंगे और एक स्वतंत्र और नस्ल भेद मुक्त दक्षिण अफ्रीका बनाएंगे। कॉलेज के दिनों से ही मंडेला नस्ल भेदी विरोधी आंदोलन से जुड़ गए। 1941 में मंडेला जोहान्सबर्ग चले गए और वहां जीवन यापन के लिए एक कानूनी फर्म में क्लर्क बन गए। साथ ही 1942 में वह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC में शामिल हो गए जिसने रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन चला रखा था। 1944 में इन्होंने ANC के भीतर ही अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग की स्थापना की। इस यूथ लीग की मांग थी, पहली, दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों के साथ हो रहा नस्ल भेद तुरंत समाप्त हो, दूसरी, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो तथा तीसरी, अश्वेतों के लिए कानून अश्वेत ही बनाएं। यही तीन प्रमुख मांगे यूथ लीग कर रही थी। इस तरह के आंदोलन से जुड़ने के कारण धीरे धीरे मंडेला की राजनीतिक सक्रियता बढ़ती गई और लोगों में उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती गई। लोग उन्हें प्यार और सम्मान से मदीबा कहकर बुलाते थे। इसी तरह के आंदोलनों से जुड़े होने के कारण 1961 में मंडेला और उनके कुछ मित्रों के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा भी चला, परंतु बाद में उन्हें उसमें निर्दोष मान लिया गया। अब सरकार ने उन्हें अपने दुश्मन के रूप में देखना शुरू कर दिया था। ऐसी स्थिति में अगस्त 1962 में मजदूरों की हड़ताल को उकसाने और बिना अनुमति देश छोड़ने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला और 1964 को उन्हें रॉबिन द्वीप की जेल में भेज दिया गया। पर स्वतंत्रता के दीवाने मंडेला ने तब भी हार नहीं मानी और उन्होंने जेल में ही अश्वेत कैदियों को लामबंद करना शुरू कर दिया और उन्हें अपने विचारों से अवगत कराते रहे। लंबे समय तक वे जेल में ही रहे और 1989 में नए निर्वाचित राष्ट्रपति FW de Klerk ने रंग भेद की नीति के खिलाफ कार्य करना शुरू किया तो उन्हीं के प्रयासों से 1990 में मंडेला को जेल से रिहा कर दिया गया। जीवन के 27 वर्ष कारागार में बिताने के बाद अंततः 11 फरवरी 1990 को उनकी रिहाई हुई। इनकी रिहाई के बाद अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस से प्रतिबंध उठा लिए गए और रंगभेद कानून रद्द कर दिए गए और एक व्यक्ति एक वोट के आधार पर लोकतांत्रिक चुनाव कराने की घोषणा की गई। अप्रैल 1994 में दक्षिण अफ्रीका के इतिहास के पहले लोकतांत्रिक चुनाव हुए। चुनावों में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को भारी बहुमत मिला और 10 मई 1994 को मंडेला अपने देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उससे पहले 1993 में उन्हें दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति FW de Klerk के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। मंडेला के राष्ट्रपति बनने के बाद दक्षिण अफ्रीका के नए संविधान को मई 1996 में संसद की ओर से सहमति मिली जो एक लोकतांत्रिक संविधान की मिसाल था। यही नहीं, राष्ट्रपति बनने के बाद
मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका को एक मजबूत देश बनाने के लिए अनेकों उपाय किए और इस तरह दक्षिण अफ्रीका को एक दिशा दिखाकर मंडेला ने 1999 में राजनीतिक जीवन से पूर्णतः संन्यास ले लिया। 2004 में उन्होंने सार्वजनिक जीवन से भी संन्यास ले लिया और अंततः 2013 में फेफड़ों में संक्रमण हो जाने के कारण मंडेला की जोहान्सबर्ग स्थित अपने घर में मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी यह मृत्यु केवल उनके शरीर का जाना ही था, क्योंकि आने वाली सदियों में जब भी मनुष्यता का इतिहास लिखा जाएगा, उन्हें हमेशा नई राह गढ़ने और उस पर दृढ़ता से चलने वाले के रूप में याद किया जाएगा। जहां तक भारत से मंडेला के संबंधों की बात करें तो भारत से उन्हें विशेष लगाव था और वह गांधी के दर्शन से खुद को बहुत नजदीक पाते थे। रंगभेद के लिए किए गए मंडेला का संघर्ष गांधी के ही संघर्षों से प्रेरित था। अपनी जवानी के दिनों में उनके द्वारा किया गया नागरिक अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के दर्शन पर ही आधारित था। भारत से उनका लगाव इस हद तक था कि अपनी रिहाई के बाद उनके द्वारा की गई पहली विदेश यात्रा भारत की ही थी। उनके लिए भारत एक मुल्क नहीं बल्कि एक प्रेरणा स्रोत था और यही कारण है कि अपने जवानी के कुछ शुरुआती दिनों में वह हिंसात्मक आंदोलन के समर्थक भी रहे थे, परंतु बाद में भारत और गांधी के दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन की तरफ रुख कर लिया था। ताज्जुब नहीं, गांधी से महात्मा तक की यात्रा की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में उनके प्रवास के दौरान हुई थी और यह भी ताज्जुब नहीं कि विश्व को दूसरा गांधी कहे जाने वाले मंडेला भी दक्षिण अफ्रीका के ही थे। साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि जिस औपनिवेशिक शासन में संघर्ष की शुरुआत गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी, उसको मंडेला ने अंतिम परिणति तक पहुंचाया। और इसमें कोई शक नहीं कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के ये दोनों सपूत वैश्विक मानव सभ्यता की मौजूदगी तक संपूर्ण मानव सभ्यता के आकाश के सर्वाधिक दीप्यमान सितारे बने रहेंगे। गांधी के भारत और मंडेला के दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में सुनहरे सहयोग के बावजूद, जो हाल में 12 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ हिंसा भड़की है, वह चिंतनीय है। आज भी लगभग 1.3 मिलियन भारतीय दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं, जिनमें अधिकतर के माँ बाप और पूर्वजों ने रंगभेद की लड़ाई में दक्षिण अफ्रीकी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था। तो ऐसे में अब वर्तमान में भारतीयों के खिलाफ हिंसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी आशा के साथ नेल्सन मंडेला के जन्मदिवस पर हिंसा फैलाने वाले नेल्सन मंडेला के आदर्शों को समझेंगे और भारतीयों के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकेंगे। हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।